हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अबू धाबी T10 सीरीज की जो अगला मुकाबला आज होने वाला है DV वर्सेस DG के दरमियान में। इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि DV और DG की टीम ने जो अभी तक इस सीरीज के मैचेस खेले हैं इसमें क्या बैटिंग ऑर्डर रहा दोस्तों, और कौन से खिलाड़ी पूरे यहाँ पर दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, कैप्टनसी के लिए किसे अपने टीम में ले सकते हैं, किसे वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है ताकि इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस मैच से रिलेटेड आपको मिल पाए और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओ। लेकिन भाई अगर इस मैच का फाइनल टीम पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मैच के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो मैच है अबू धाबी में ये मुकाबला होगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा सारे मैचेस इसी ग्राउंड पे हो रहे हैं। बाकी अगर आप देखते हैं दिल्ली बुल्स की टीम के बारे में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे DG की टीम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, डिसन ग्लेडर्स की टीम के बारे में, जो कि अभी तक 6 मैचेस खेल चुके हैं, 4 मैचेस वन कराए, 2 मैच लॉस करते हुए आए हैं। यहाँ पे टॉम जो कि ओपन करते हैं पूरे टूर्नामेंट में देखोगे तो 121 रन उन्होंने बनाया हुआ है, एक ओवर तक गेंदबाजी करा था, एक ही मैच में बॉलिंग करा है, बाकी के सारे मैच में ओपन करते हुए दिखे हैं, अच्छे प्लेयर टीम के ओपन करेंगे। वहीं अगर टॉम कॉलर की बात करते हैं दोस्तों, ये भी टीम के ओपन कर रहे हैं, इनके साथ पूरे सीरीज में 90 रन अभी तक बनाया हुआ है, दोनों के दोनों बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अनवर अली पूरे सीरीज में 22 रन बनाया दोस्तों, टीम का फर्स्ट राउंड कभी सेकंड राउंड कभी थर्ड राउंड पर खेलते हैं, इनको अभी ड्रॉप करो दोस्तों, इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं है, बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। टॉम मॉरिस की बात करते हैं, टीम के सेकंड राउंड पर खेलते हैं, पूरी सीरीज में 83 रन उन्होंने बनाया हुआ है, टीम के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पर भी बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं, विकेट कीपरिंग में देखोगे तो ये अच्छा चॉइस रहेगा। बाकी अंडर रसल की बात करते हैं तो पूरे सीरीज में 62 रन बना के 5 विकेट अपने नाम की हैं, 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं, टीम का फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं, लगभग टीम के मिडिल ऑर्डर पे खेलते हुए देखेंगे आपको, पूरे 2 ओवर तक गेंदबाजी भी करेंगे, बहुत अच्छा चॉइस रहेगा, इनको अपनी टीम में आप ले सकते हैं। वहीं अगर डेविड वैसे की बात करते हैं तो पूरी सीरीज में 84 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं, इनका स्टेट्स अगर बल्लेबाजी से देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन है, बॉलिंग से कुछ खास रिकॉर्ड अभी तक बना नहीं पाए हैं। बाकी अगर देखते हैं ऑडियन स्मिथ के बारे में तो पूरी सीरीज में 60 रन बना के 5 विकेट अपने नाम किए हैं, 2 ओवर बॉलर, इनको अपनी टीम में ट्राई करेंगे दोस्तों, ये कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जो पूरे टूर्नामेंट में 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दोस्तों 2 ओवर करते हुए 11 विकेट हाइस्ट विकेट टेकर बॉलर रहे हैं, इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई करना। वहाब रियाज जो कि पूरे सीरीज में अगर आप देखते हैं तो 8 रन बना के 3 विकेट निकाले, 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं, ये अच्छा बॉलर है, ले सकते हैं। वहीं अगर आप देखते हैं इनके बारे में, इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं है, 2 मैचेस खेले, दोनों मैच फ्लॉप रहा, पहले मैच फ्लॉप रहे, दूसरे मैच 2 विकेट इनको मिला है। सुल्तान अहमद जो कि 4 मैच खेले हैं, पहले मैच फ्लॉप, दूसरे मैच फ्लॉप, लास्ट मैच ओनली 1 विकेट मिला है। हमीद हसन एक ही मैच खेला है जिसमें फ्लॉप रहा था। टीमिल्स की बात करते हैं तो पहले मैच में 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहते, फिर यहाँ पे पूरे सीरीज में देखोगे 3 विकेट इनको मिला है। बाकी जडरन का स्टेट्स कुछ खास नहीं, इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर आपको सेम देखने को मिलेगा DG की टीम की तरफ से इस मैच में भी। बाकी दिल्ली बुल्स की टीम की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने 6 मैचेस खेले जिसमें 4 मैचेस वन कराए, यहाँ पर 2 मैच लॉस करते हुए दिखे हैं। देखो यहाँ पर दिल्ली बुल्स की टीम की तरफ से आपको यहाँ पर रसल जो कि टीम के ओपन करते हुए दिखेंगे, पूरे सीरीज में 77 रन अभी तक बनाया हुआ है, टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इन्होंने 48 जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक इस मैच में इनका है। बाकी रहमदुल्ला की बात करते हैं तो ये भी टीम के ओपन करते हैं, पूरे सीरीज में 164 रन बनाया है, दोनों के दोनों टीम के टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, को अपनी टीम में जरूर ट्राई करना। मोहम्मद हफीज जो कि पूरे सीरीज में 56 रन स्कोर करा है, टीम के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। रदरफोर्ड की बात करेंगे, 78 रन उन्होंने बनाया हुआ है, टीम के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, मतलब इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर मतलब थोड़ा अप डाउन होते रहता है। बाकी एन मॉर्गन जो कि यहाँ पे टीम का थर्ड राउंड पे कंटिन्यू बॉलिंग यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि पूरे सीरीज में 73 रन अभी तक बनाया हुआ है। ब्रेवो की बात करते हैं तो 54 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हैं, टीम के कैप्टन है, इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। बाकी ड्रेस की बात करते हैं तो पूरे सीरीज में 3 विकेट इनको मिला है दोस्तों, और 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स कुछ खास अभी तक रहा नहीं है। बाकी अगर बात करेंगे रमियो के बारे में तो दोस्तों पहले मैच में 8 रन बना के 1 विकेट, फिर 1 विकेट कंटिन्यू, को विकेट मिला पूरे सीरीज में अगर आप देखते हैं तो 56 रन बना के 4 विकेट अपने नाम किए, 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं। अदिल रशीद की बात करेंगे तो पूरे सीरीज में 3 विकेट मिला है दोस्तों, ये भी 2 ओवर बॉलर है। बाकी अगर रवि रामपुल की बात करेंगे ना, 2 मैचेस खेला है, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में फ्लॉप रहा है। सिराज अहमद जो कि पहले मैच में 1 विकेट, फिर लगातार फ्लॉप रहे हैं, पूरे सीरीज में 4 विकेट इनको मिला है दोस्तों। लास्ट मैच की बात करेंगे, 2 विकेट इनको मिला, मात्र 22 रन खर्च किए थे पूरी 2 ओवर की गेंदबाजी में, गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन करते हैं, ले सकते हैं। बाकी इनको 3 विकेट मिला है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पे नैब के बारे में तो ये एक ही मैचेस खेले जिसमें से 1 ओवर बॉलिंग करा था, विकेट नहीं निकाल पाए थे। लुकी राइट की बात करेंगे दोस्तों तो पहले मैच में 25 रन, दूसरे मैच में 40 रन बनाए, ये भी टीम के टॉप पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 ही मैच खेला है, लेकिन इनका सिलेक्शन कम रहेगा और आप इसका फायदा इस मैच में ले सकते हैं। तो देखो दोनों ही टीमों का ना बैटिंग ऑर्डर आपको सेम देखने को मिलेगा इस मैच में भी। बाकी जिसको इस मैच का फाइनल टीम चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। बाकी चलिए हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर आगे बढ़ते हैं।
शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपर से। जैसे कि मैंने आपको कहा था विकेट कीपर में अगर आप देखते हैं तो दोनों का स्टेट्स काफ़ी बेहतरीन है। आर गुरबाज जो टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करते हैं, टीम मॉरिस का भी स्टेट्स काफ़ी शानदार है। इन दोनों को अपने टीम में ट्राई करेंगे जो टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। बैटिंग की बात करते हैं तो तीन बैट्समैन को मैंने ट्राई कर रखा है। एस रदरफोर्ड जो कि टीम के टॉप पे खेल रहे दोस्तों, अच्छा स्टेट्स था इनका। टीम एंटन को ट्राई करेंगे और राइट जो कि दो ही मैचेस खेला मैंने आपको अभी बताया था स्टेट्स में दोस्तों, काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी है और इनको अपने टीम में जरूर ट्राई करना। सिलेक्शन देखोगे तो थोड़ा कम है इनका, लेकिन अगर आप चाहें तो टी कॉलर को अपने टीम में ले सकते हो, ये भी एक अच्छा चॉइस रहेगा। लेकिन मैं इनको अपने टीम में ड्रॉप कर रहा हूं, इसके पीछे जो रीजन है ऑलराउंडर से मैंने तीन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को अपने टीम में ट्राई करने का कोशिश किया है। ये कैप्टनसी के लिए बेस्ट रहेंगे। अंदर रसल को चाहे तो इस मैच में कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए ले सकते हो दोस्तों। बाकी मैं यहां पे सेवर्ट को ट्राई कर रहा हूं जो कि डीबी के टीम की तरफ से, ये भी काफी बढ़िया खेल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो डी ब्रावो को ले सकते हैं, ये भी डीबी के टीम की तरफ से आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए दी जाएंगे। हालांकि बॉलिंग काफी बढ़िया कर रहे हैं, अगर लेना चाहते तो जीएल में कम से कम जरूर लेना। बॉलिंग की बात करेंगे, तीन बॉलर को मैंने लिया है डीबी के टीम की तरफ से, कंप्लीट दो ओवर करेंगे। ए राशिद भी कंप्लीट दो ओवर बॉलिंग करेंगे। वहां रियाज को मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो को भी ट्राई कर सकते हैं या फिर एफओ को भी आप जीएल में ले सकते हो। अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कैप्टनसी के लिए इनको मैंने बोला था, वाइस कैप्टनसी के लिए अंदर रसल को अपनी टीम में ट्राई करूंगा। इस टीम को आप लोग सेव कर ले, लाइनअप का वेट करना, मैं फाइनल टीम शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।